बहुत जल्द सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th वालों का कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है और स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट लगी हुई है, जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, हर एक स्टूडेंट इस समय डरा हुआ है, हर एक स्टूडेंट को डर लग रहा है। स्टूडेंट भी दो तरीके के फिलहाल के टाइम पे, पहले वो जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी उन्हें भी डर लग रहा है, उनके लिए भी बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस पूरा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, कुछ पढ़ने को बचे ही नहीं, उन्हें भी डर लग रहा है, अजीब बात है ना, उनका सब कुछ कंप्लीट है भाई, वो तो टॉपर बनने वाले, तो उनके तो पूरे मार्क्स आने वाले हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम से। हालांकि एक रियल फैक्ट है, कोई भी एग्जाम होता है दुनिया में तो भाई जब भी हमको एग्जाम देने जा रहे होते हैं, चाहे हमने तैयारी करी है चाहे नहीं करी है, हमें डर लग रहा होता है, वो बहुत नेचुरल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। आज की इस वीडियो में सोल्यूशन देने वाला हूँ, अगर आपको डर लग रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम से, वीडियो बने रहेगा एंड तक। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही हर्ष की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जल्दी जल्दी जिनका सिलेबस पूरा है, उन्हें भी डर लग रहा है, उसके बाद बात करेंगे मैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। समय कितना है, एक दो दिन है, तीन दिन जितने भी हैं, ठीक है, एक दिन बचा है मोस्टली, ठीक है। देखो मेरे भाई, जिनका सिलेबस पूरा है उनको डर लग रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम से, उसका भाई तब एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि तुमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, एक बार सोचो, मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में मैंने ये भी चीज़ पढ़ी है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी, एक बार सोचो तुम्हें आता क्या है। जब वो चीज सोचोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरे को तो ये भी आता है, केमिस्ट्री का तो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ा है, मुझे ये भी फॉर्मूला पता है, तो कॉन्फिडेंस था। दूसरी चीज, जो भी तुम्हारी सिचुएशन है ना कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम सोच रहे हो कि मेरे को डर नहीं लगना चाहिए या मैं क्यों डर रहा हूं, मैंने तो पढ़ाई कर ली है ना, तो डर से दूर मत भागो, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तुम किसी चीज से जितना दूर भागते हो ना, एक्चुअली तुम उतना ही उसके करीब जा रहे होते हो, ठीक है। तुम किसी लड़की से जितना दूर भागने की कोशिश करते हो, असल में तुम उतना ही उसके पास जा रहे होते हो, तुम बोलते हो मैं उस लड़की से दूर रहूंगा, मैं उसकी तकल नहीं देखूंगा, पर जब तुम ये तो बोल रहे हो ना, या तो तुम उसे ही कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन ये होता है मेरे भाई, डर लग रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो कि यस डर लग रहा है ना मेरे को। अरे यार, वो तो हर किसी को लगता है डर यार, ये तो एक बहुत नेचुरल चीज है कि डर लग रहा है एग्जाम से पहले, हर किसी को लगता है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, इलोन मस्क ही क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम हो रहा होता है उससे पहले हर एक इंसान को डर लग रहा होता है, फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी तैयारी करी कितनी तैयारी नहीं करी, डर हर किसी को लग रहा होता है। तो डर को क्या करना है मेरे भाई, एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, डर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और होती है, अब तुमने पढ़ाई पूरी कर ली, ठीक है, पढ़ाई तुमने अच्छे से जितना तुम कर सकते हो तुमने पूरी दम लगा ली, ठीक है, अब तब भी तुम्हें डर लग रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम से। ओह यार, कंपार्टमेंट एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कोई क्वेश्चन ना आए या फिर मैं कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तो डर और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही चीज करनी है, एक्सेप्ट करना है चीज को भी। देखो यार, एक सिंपल सी बात बोलूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आप कर क्या सकते थे, आप पढ़ाई कर सकते थे, ठीक है, आपने पढ़ाई की, पूरी ईमानदारी से करी, पूरी दम लगा के करी, हाँ की पढ़ाई कर ली तुमने, सिलेबस पूरा कर लिया या नहीं भी किया, 50% किया, ठीक है, और जितना तुम पढ़ सकते थे उतना तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा जो काम था, जो तुम्हारे कंट्रोल में था, जो तुम्हारा कर्म था, वो तुमने पूरा किया, ठीक है, और अब लास्ट समय आ गया, ठीक है, अब तुम्हें डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करो कि हाँ, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैंने अपना पूरा 100% किया है, और भाई अब मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा वो ऊपर वाले के हाथ में। देखो, तुमने मेहनत करी है ना, तुमने सिलेबस पूरा किया, पूरी पढ़ाई करी है, भाई सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, वो सबको संभाल लेगा, उस पर भरोसा रखो, ठीक है, डर सब उसके हाथ में छोड़ दो, तुम जो कर सकते थे तुमने कर लिया, अब भाई उसके हाथ में छोड़ दो, क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वो अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो डरो नहीं यार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, यहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, वो उन्हें डर लग रहा है। देखो एक चीज़, अगर तुम्हें डर लग रहा है बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए, बहुत लगना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाई करी पूरी साल, हैं अभी तुमने नहीं पढ़ पाई, पढ़ाई कर पाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारी फीलिंग तो समझता हूँ, बट ध्यान सुनेगा, तुम्हें डर लग रहा है ना, अगर तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है और तुम सिर्फ डरते रहते हो, तुम्हारे पास एक दिन का समय है, तुम सिर्फ डरते रहते हो पूरे एक दिन, पूरे 24 घंटे तुम बस डर ही हो, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, अब मेरा क्या होगा, मैं फिर, कोई फायदा नहीं मेरे भाई, कितना भी डर लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरो रो गाओ, कोई फायदा नहीं। वो जो तुम्हारे अंदर डर है ना, इस समय डर है ना तुम्हारे अंदर, उस डर को यूज करो प्रोडक्टिव वे में। कैसे, जो तुम्हें डर लग रहा है ना, क्यों डर लग रहा है, क्योंकि तुम कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल नहीं होना चाह रहे हो, और क्यों डर लग रहा है, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी अभी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें उसी डर का यूज करना है, देखो उस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हो ना, उस चीज से तुम दूर भागना चाह रहे हो कि मैं फेल ना हूं, तो क्या तुम डरने से फेल होने से बच जाओगे, क्या डरने से तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छा चला जाएगा, नहीं, डर एक मोटिवेशन है, तुम सिर्फ मोटिवेशन लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो भाई, मोटिवेट हो जाओ, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट तो चाहिए, लेकिन तुम पढ़ ही नहीं रहे, बस मोटिवेट होते चले जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, डरते चले जा रहे हो, डरते चले जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है,
डर को यूज करना है प्रोडक्टिव वे में। कैसे? डर लग रहा है ना, फेल नहीं होना चाह रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डरो पहले, डरो अच्छे, डर लो, हाँ अच्छे से डरो, डरो कोई दिक्कत नहीं। अब एक भाई पेपर निकालो, पूरा प्लान लिखो, तुम्हारे पास अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, 24 घंटे भी है ना बहुत है, 2 दिन है ना 2 दिन भी बहुत है, ठीक है। पूरी प्लानिंग करो कि ये 24 घंटे है ना, 1 घंटे में मैं ये चैप्टर कवर कर लूंगा, 1 घंटे में ये कर लूंगा, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लूंगा, फिर 2 घंटे में रिवीजन करूंगा, फिर 3 घंटे में ये करूंगा, 1-1 घंटे का पूरी प्लानिंग कर लो। जब प्लानिंग कर लोगे ना तो जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे सामने होगी चीज कि ये जो डर लग रहा है ना जिस चीज से, उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये कि ये जो लिखा है 24 घंटे मेरे पास, इसमें ये करना है, तो उससे तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी जाएगी। और हाँ, सिर्फ प्लान करना नहीं है, प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का, उसका जो जो तुमने लिखा है उसमें उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। तुमने लिखा 1 घंटे में ये पढ़ूंगा, तो पढ़ो वो चीज। और भैया डर लगेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा डर लगेगा। और एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, जब तुम बोर्ड एग्जाम सॉरी कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे होगे ना, जब तुम सेंटर में घुस रहे होगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था तभी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ इस समय भी हो रहा है, तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि यार मैं कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या गारंटी है मैं पास हो जाऊंगा, मुझे आता क्या है, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ मुझे बहुत कुछ आता है, आपको भी बहुत कुछ आता है, लेकिन है क्या, हम नॉर्मली वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आता तो मुझे बहुत कुछ है भाई, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के नाम याद है, A² + B² फॉर्मूला पता है मेरे को, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें याद है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है जब भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें आता क्या है भाई, आता है ना ये चीज़, तो यार करना कुछ नहीं है भाई, इस समय को इसको अवॉइड करना है। तुम अगर तुम घर पे हो एग्जाम से पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ये सारे थॉट्स आ रहे हैं कि लाइक मुझे आता क्या है, बहुत डर लग रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं, आपको बस एक काम करना है, जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है, उसके बारे में आपको सोचना है, वो केमिस्ट्री में मेरी कंपार्ट पढ़ाई, अच्छा तो मैं पास हो जाऊंगा क्या केमिस्ट्री में, अरे मुझे आता ही क्या है, हाँ वैसे सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, सोल्यूशन चैप्टर में ये बार मैंने मोलर मास पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ये सारे पढ़े थे, ये फॉर्मुलाज भी मेरे को याद है, तो ऐसा बस आपको बिना देखे बस दिमाग में वो थॉट्स लेके आने कि हाँ मेरे को आते ही हैं ये सारी चीज़ें, आती हैं आती हैं आती हैं, तो डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और वो जो क्वेश्चन आता ना कि मुझे आता क्या है, कि मैं कंपार्टमेंट में पास हो पाऊंगा कि नहीं, वो भी चीज़ खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। बाकी डर बहुत नॉर्मल चीज़ है, सभी बच्चों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डर लग रहा है पढ़ाई कर लो, अगर पढ़ाई नहीं करी और पढ़ाई कर चुके हो तब भी डर लग रहा है तो डर को एक्सेप्ट कर लो कि कोई दिक्कत नहीं, डरना किस बात का, मेरे हाथ में जो चीज़ थी वो मैंने करी, मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करी, अपना 100% दिया, अब भैया ऊपर वाले के हाथ में किस्मत है भैया पास होता हूँ कि नहीं, बस दैट्स इट। और डर होता है तो उसको ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाने का, मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है, पहले तो डर लग रहा है वो बड़ी चीज़, उसके बाद तुम ये भी सोच जा रहे हो, फिर वो डर के ऊपर डर होता है, कैसे, अभी तुम्हें डर लग रहा है, होता क्या है कि तुम ये सोचते हो कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, ओके डर लग रहा है, फिर तुम्हें एक और डर लगेगा, क्या एक परेशानी और बढ़ेगी कि मुझे डर क्यों लग रहा है, उसके बारे में सोचते जाओगे, एक डर था वो 2-3-4 ऐसे डर बढ़ता चला जाता है। बेस्ट चीज ये होती है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन मत लो कि मुझे डर क्यों लग रहा है, हमें डर को अवॉइड करना है, नहीं, तुम्हें डर को एक्सेप्ट करना है कि हाँ एग्जाम है, डर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लो यार, अगर तुम पढ़ाई पूरी कर चुके हो, और अगर पढ़ाई पूरी नहीं कर चुके हो भगवान का नाम लो, अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम पढ़ाई करो अभी, जिन स्टूडेंट की कंपार्टमेंट लगी है, एक सिलेबस पूरा है, बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, डर लग रहा है, डर को एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बस नॉर्मल चीज़ है, हरे कृष्णा बोलो, ठीक है, और जिनने पढ़ाई नहीं करी उन्हें डर लग रहा है, तो भाई हरे कृष्णा बोलो, साथ में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी और कुछ डाउट हो, किसी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड असल की पढ़ाई पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।